Assalamualaikum, welcome to the Peri Public Girls High School. Class 10th के मैथमेटिक्स के लेक्चर में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4. 2.4 सेम जैसे हमने 2.3 की थी उससे रिलेटेड है. इसमें भी हम सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करेंगे. सम ऑफ फ्रूट्स से हमारे पास कुछ फार्मूला जिसमें यूज़ होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर से रिलेटेड. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल जीरो. तो सेम जैसे हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस में किया था, हम ए और बी की वैल्यूज ए बी सी की फाइंड आउट करेंगे. ए मेरे पास होगा इक्वल 1 के, बी इक्वल होगा पी के और सी इक्वल होगा क्यू के. तो सम ऑफ फ्रूट्स क्या बनेगा? सम ऑफ फ्रूट्स इक्वल होगा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए. तो यहाँ से माइनस बी की वैल्यू मेरे पास निकलेगी माइनस पी, ए की वैल्यू है मेरे पास 1. तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस पी के. तो इसी तरह मैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करूँगी. प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ये इक्वल होगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल सी डिवाइडेड बाय ए. अल्फ़ा बीटा यहाँ पे सी की वैल्यू मैं पुट करूँगी क्यू डिवाइडेड बाय 1, तो ये इक्वल आएगा क्यू के. तो यहाँ से अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की. तो जैसे कि सम ऑफ फ्रूट्स में हम ऑलरेडी क्वेश्चंस में ये ऑलरेडी फार्मूला पढ़ चुके हैं. हमने पढ़ा था ए प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ से अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 2ab लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा. ये बनेगा ए प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो सेम इसी तरह यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अल्फ़ा प्लस बीटा में मेरे पास क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर. तो यहाँ से इक्वल बनेगा माइनस पी के. तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस पी अभी हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमने कंडीशन के अंदर यूज़ करना है. अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के. तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की. हमारे पास वैल्यू यहाँ पे गिवन है माइनस पी स्क्वायर और यहाँ पे ये आएगा माइनस 2. अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने निकाली है प्रोडक्ट ऑफ रूट से, तो ये हमारे पास निकली थी क्यू. तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगी तो ये मेरे पास कंडीशन बनेगी माइनस का स्क्वायर लेने पे ये प्लस में कन्वर्ट होगा, ये बनेगा पी स्क्वायर माइनस 2q. यही मेरे पास इसका आंसर होगा. इसी तरह सेम मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूँगी. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इक्वेशन चेंज करके दी गई है, बाकी मेथड सेम वैसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन अभी 1 में किया है. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है इक्वेशन 4x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0. तो यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूँगी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल 0. तो इस क्वेश्चन में भी हम प्रोडक्ट और सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करेंगे. यहाँ से हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज निकलेंगी. ए इक्वल होगा 4k, बी इक्वल होगा माइनस 5k और सी इक्वल होगा 6k. अगर मैं सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करती हूँ, सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होगा ये माइनस बी डिवाइडेड बाय ए. तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारे पास निकलेगा माइनस इंटू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बनेगा 5/4. इसी तरह मैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करूँगी. प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ये इक्वल होगा अल्फ़ा बीटा के और ये इक्वल होगा सी डिवाइडेड बाय ए के. अल्फ़ा बीटा इज इक्वल सी की वैल्यू मेरे पास है 6 और ए की वैल्यू 4. ये 2 के साथ डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पे इनको 2 के साथ डिवाइड करने पे हमारे पास बनता है 3 डिवाइडेड बाय 2.
तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन की कंडीशन को चेक करते हैं, हमने फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें सम ऑफ रूट्स की अब ज़रूरत नहीं है। तो हम अल्फ़ा बीटा जो हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट किया है, अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल 3/2 टेकिंग स्क्वायर अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल 3/2 का स्क्वायर। यहाँ पे ये बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लेने पे ये बनता है 9 और 2 का स्क्वायर लेने पे ये बनेगा 4। तो यही मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का आंसर होगा। इसी तरह हम सेम क्वेश्चन करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जस्ट हमें इक्वेशन चेंज करके दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास इक्वेशन है एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल 0। तो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 1, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो यहाँ से सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट करूँगी। ए मेरे पास होगा एल, बी इक्वल होगा एम के और सी इक्वल होगा एन के। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ रूट्स इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा के और ये इक्वल होगा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास निकलेगी माइनस बी की वैल्यू है एम और ए की वैल्यू है एल। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल अल्फ़ा बीटा इज इक्वल सी डिवाइडेड बाय ए। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकलेगी हमारे पास, सी की वैल्यू है एन, ए की वैल्यू है एल, तो ये बनेगा एन ओवर एल। अब हम क्वेश्चन की कंडीशन यूज़ करेंगे जो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसकी मिनिमम पावर क्या है। इन दोनों अगर टर्म्स में देखा जाए तो अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास मिनिमम पावर का है और इस तरह बीटा स्क्वायर हमारे पास जिसकी पावर स्मॉलेस्ट है। तो हम इसमें से अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर अगर हमारे पास कॉमन निकला है तो 3 में से हमारे पास एक अल्फ़ा अंदर बाकी रहेगा। बीटा स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर हम कॉमन ले चुके हैं, ऐसे ही प्लस का साइन। अल्फ़ा स्क्वायर हमारे पास कॉमन लिया जा चुका है, बीटा क्यूब में से हमने स्क्वायर कॉमन लिया है तो एक बीटा हमारे पास अंदर रह जाएगा। यहाँ से हम अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे। हमने अभी पढ़ा था अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर इक्वल होगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के। तो यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की हमने वैल्यू निकाली थी एन डिवाइडेड बाई एल होल का स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू थी माइनस एम डिवाइडेड बाई एल। तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर माइनस एम डिवाइडेड बाई एल। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो माइनस का साइन बाहर निकलेगा, एम और एन दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे और एल स्क्वायर एल के साथ मल्टीप्लाई होने पे एल का क्यूब बनेगा और यही मेरे पास क्वेश्चन है। आज का लेक्चर ख़त्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर 7 के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।